जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और अभी तक आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन तीन लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन में छलावा ला सकते हैं, आपके जीवन को परेशान कर सकते हैं और कई सारी परेशानियों में आपको डुबो सकते हैं। तो एक छोटा सा निवेदन है मेरा, इस चैनल को, वीडियो को पूरा आप देखें, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा मोटिवेशनल और सकारात्मक ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। और दूसरी बात है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, फिर बात करें, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात हम शुरू करें कि भरोसा जो है वो जब टूट जाता है तो व्यक्ति बिखर जाता है। जहाँ यकीन होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहीं भरोसा होता है, और उसका टूटना जो है आज के युग में एक स्वाभाविक चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले वो लोग जिन लोगों ने एक बार कभी भी आपका भरोसा तोड़ा हो, उन पर हमें भूल कर भी यकीन नहीं करना चाहिए। ये बात को फिर गंभीरता से समझना, ये वीडियो को यहाँ से पूरा और बारीकी से समझना कि जो लोगों ने एक बार हमारा भरोसा तोड़ चुका है, लेकिन आप बहुत भावुक हैं, सरल हैं, माफ़ करना आपकी अच्छी आदत है, लेकिन विश्वास जहाँ घात होता है, विश्वास को जहाँ तोड़ा जाता है, वहाँ पर फिर से यकीन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो अपना रंग कभी भी बदल सकता है। जब हम निस्वार्थ थे उनके लिए, जब हम पूरा विश्वसनीयता से चीज़ें थी, तो उन्होंने ऐसा किया, तो वो अब तो चाह कर भी कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, एक पहली बात कि कभी भी जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी हमारा भरोसा विश्वास तोड़ा, उस पर फिर यकीन ना करें, उनसे दूरी बना के रखें। दूसरी बात है, जो लोग गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं, मतलब गलत फहमियाँ पैदा करने से मतलब है कि आपकी बात किसी और को और किसी की और बात आपको कहते हैं, ऐसे लोगों पर कभी यकीन मत करिएगा, क्योंकि रियल बात कुछ और होती है। ये नमक मिर्ची मिलाकर और चीज़ को थोड़ा टफ कर देते हैं और हमारे जो परेशानी है वो क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जो लोग चुगली लगाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, आपको यदि कोई की बुराई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समझ जाएगा कि आपके बारे में भी कोई नेगेटिव पॉइंट ये अन्य किसी के बारे में कहते हैं, और उसमें नमक मिर्ची मिला के अपनी तरफ से और बातें जोड़ कर कहते हैं, और यही जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को परेशानी में बढ़ा देती हैं। इसलिए जितना हो सके क्लियर रहें, अपने मन में जिसके प्रति जो भी भाव हो अपने तक ही रखें, जो अपने बहुत खास हैं वहीं पर बताएं, सभी को ना बताएं, क्योंकि सभी को बताने में वो चीज़ें शायद हमारे ऊपर नेगेटिव असर करती रहती है और इससे परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना चाहिए। तीसरे वो लोग होते हैं जो लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते हैं, और अपने माता पिता के प्रति जो उनका रवैया सही नहीं है, वो लोगों को कभी भरोसा ना करें, क्योंकि जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, जो उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, या किसी अन्य के क्या होंगे। इसलिए वो लोगों से भी दूरी बना के रखें, उन पर कभी भरोसा मत करें, क्योंकि मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ़ हूँ जो अपने माता पिता को अच्छा नहीं रखते, उनके प्रति पॉजिटिव नहीं रहते, सकारात्मक। और हाँ, मुझे ये यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं, ऐसे इस समाज में बहुत कम लोग ही हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो हमें भी परेशान करते हैं, और ऐसे उदाहरण जो है आज के युग में बहुत बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे लोगों का बायकॉट करें और ऐसे लोगों से दूरी बना करें। बस यही सकारात्मक बातें थी। ओम नमः।